नमस्कार दोस्तों जी है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी A40 5G। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी A14 जो है 5G वाला मॉडल, जो कि दोस्तों सैमसंग का काफ़ी सस्ता फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, बट देखने में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम फील होता है दूर से। अगर आप पीछे से देखते हो तो ऐसा लगता है कितना प्रीमियम फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और दोस्तों यही चीज़ मुझे सैमसंग की काफ़ी अच्छी लगती है कि आप इस फ़ोन की प्राइस चेक कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि ये ए सीरीज़ का फ़ोन है A14 जो है दोस्तों, जिसकी MRP जो दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप इसको फ्लिपकार्ट चेक करते हो तो 10,000-12,000 रुपये का समथिंग जी आपको दिख जाता है। और अगर आप इस फ़ोन को ऑफलाइन चेक करते हो मार्केट में तो जी आपको 1,000-1,500 रुपये और कम का मिल जाएगा। अगर आप इसको कैश में लेते हो तो जी आपको और कम में मिल जाता है। फिर भी दोस्तों इस फ़ोन में आपको एक बड़ा अपडेट मिल चुका है इतना सस्ता होने के बावजूद भी। ये आप देख सकते हो कि ये देखिए सैमसंग का One UI 6.1, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है, समथिंग 2 GB के आसपास का ये अपडेट है। और ये जो अपडेट है दोस्तों हमारे इस सस्ते से फ़ोन में भी हमें सैमसंग ने दे दिया है, जिसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस होकर मिलते हैं। ये देखिए अभी मैंने अपडेट किया नहीं है, अभी डाउनलोडिंग पर चल रहा है ये। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, आपको कस्टमाइज योर गैलरी, आप अपने गैलरी को कस्टमाइज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको दोस्तों न्यू वॉलपेपर एडिट करने का फीचर मिलता है, और जो बिटगेट वगैरह होते हैं लोकेशन लगाने के लिए उसमें आपको काफ़ी अच्छे से फीचर देखने को मिलेंगे। अलार्म में भी दोस्तों आपको चेंजेस होकर मिलेंगे, और आप देख सकते हो जो सारे जो फीचर यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब में दोस्तों आपको कोई ना कोई चेंजेस होकर मिल रहा है इस अपडेट को करने के बाद में। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी और ब्रांड हैं जो 15,000-20,000 के समथिंग आते हैं, उनमें भी दोस्तों हमें इतनी जल्दी अपडेट नहीं मिलते जो उनके फ्लैगशिप फ़ोन में मिलते हैं। वो अपडेट हमें उनके सस्ते फ़ोनों में देखने को नहीं मिलते, बट सैमसंग में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी सस्ता फ़ोन ले लो आपको उसमें टाइम पर अपडेट देखने को मिलते ही रहते हैं। तो यही चीज़ मुझे सैमसंग की अच्छी लगती है। दोस्तों अगर आपने भी ये फ़ोन सस्ता वाला जो A14 5G वाला मॉडल है अगर आपने ये ले लिया है तो फटाफट से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि दोस्तों मुझे इतना तो पता ही है कि ये फ़ोन जितने भी लोग चलाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको अपडेट वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बट वो यूट्यूब पर वीडियो तो ज़रूर देखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो दिख रही है और आपके पास भी ये 14 फ़ोन है तो आप फटाफट से अपने सेटिंग में जाके अपडेट को चेक करो और अपने फ़ोन को अपडेट कर लो। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन अभी जैसा चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, चलाने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, चलाने में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, जिससे आपका फ़ोन दोस्तों पहले के मुताबिक और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।